दो देर आर टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स वूवन एंड निटेड. इन निटेड ऑल्सो देर आर टू टाइप्स और टू मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फैब्रिक. दैट इज यू कैन मेक वेफ्ट वाइज विड्थ वाइज एज वेल एज यू कैन मेक वार्प वाइज. देन इट इज कॉल्ड एज वार्प निटिंग. इफ इट इज वेफ्ट वाइज इट इज वेफ्ट निटिंग. तो वेफ्ट निटिंग जैसे जो घर में करते हैं एक धागे से सिंगल से बन जाएगा कपड़ा पूरा. लेकिन वार्प निटिंग इज मोर लाइक वीविंग. उसमें जो है ऐसे वार्प बनाने हैं सीधा एक बार में ही जितने लूप हैं सारे एक बार में ये ऊपर जाएगा और सारे लूप्स को लेकर बना देगा. तो नंबर ऑफ यार्न्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ नीडल्स. ठीक है. सिंगल यार्न है तो सिंगल यार्न किससे फीड करोगे, कौन और चीज से. इसमें बीम चाहिएगा. ये फैब्रिक जो है इसमें वेफ्ट वेफ्ट निटिंग में वेफ्ट वाइज होगा चलेगा और वार्प निटिंग में वार्प वाइज चलेगा. ये एक भी हो सकती है एक से ज़्यादा भी हो सकती है 5-10. इसमें जितने भी लूप्स हैं 5,000 लूप्स हैं 1,00,000 लूप हैं फैब्रिक में. तो 1,00,000 की 1,00,000 निडल्स सीधी ऊपर उठेंगी 1,00,000 में एक बार बनाएंगे और नीचे. तो वेफ्ट निटिंग से बहुत ज़्यादा स्पीड में काम है इसका. इसमें निडल जो निटिंग करती है पहले एक बनाएगी फिर दूसरी ऐसे बनाएगी तो सीक्वेंस में बनाती है. इसमें इकट्ठी बनाती है, इकट्ठी में बड़ी स्पीड हो जाती है. तो प्रोडक्शन इसकी कम है, इसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है. और क्योंकि ये एक एक करके बनाते हैं तो इसकी क्वालिटी जो है वार्प निटिंग से अच्छी नहीं. वार्प निटिंग की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है क्योंकि ये इकट्ठा बनाता है सारा एक लाइन को एक ही बार में. प्रोडक्शन वैसे ही कम होती है और अगर इसमें डिज़ाइन ज़्यादा डाल दोगे तो और ज़्यादा प्रोडक्शन कम हो जाएगी. इसके अंदर डिज़ाइनिंग का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है. इसके अंदर क्योंकि ये एक धागे से काम हो रहा है तो प्रिपरेटरी प्रोसेस चाहिए नहीं. वाइंडिंग के बाद में वार्पिंग साइजिंग ड्राइंग इन इसके अंदर प्रिपरेटरी प्रोसेस चाहिए. वेफ्ट निटिंग के अंदर नॉर्मल लो कॉस्ट मशीन होती है, पावर भी ज़्यादा नहीं चाहिए, स्किल्ड लेबर जो है के बिना भी ऑपरेट कर लोगे, लेस स्किल लेबर. बट वार्प निटिंग के अंदर जो है आपको लेबर चाहिए बिल्कुल स्किल्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी मशीन है, कहीं ख़राब हो जाए तो ये इशू है. और क्योंकि एक यूज़ हो रहा है इसके अंदर कोई प्रोप्रेटरी प्रोसेस यूज़ में नहीं आ रहा, इसकी सस्ता जो है मशीन है तो फैब्रिक की कॉस्ट इसमें कम आएगी, इसमें ज़्यादा आएगी. और हमने बात की थी बॉश एंड वियर ये स्ट्रेच नहीं होता तो ये कटिंग टेलरिंग में इसमें दिक्कत आती है, स्ट्रेच हो जाता है कहाँ से काटना है. इसमें दिक्कत नहीं, इसमें सीधा काट देंगे. ये कुछ एक पॉइंट्स थे वेफ्ट और वार्प निटिंग के.